शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गोवा का गवर्नर होने के नाते आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती गायत्री बच्चन इस राज्य के लोगों के लिए राजमाता हैं। लोग चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, इन्होंने तो खुद का महल भी राष्ट्र को दान कर दिया। ये महल मुझे मेरे पिता महाराजा वीरेंद्र सिंह से मिला है और मेरा ये मानना है कि राजा और महाराजाओं की संपत्ति पर सिर्फ राष्ट्र का अधिकार है। सर, आप सिर्फ श्रीमती गायत्री बच्चन के पति ही नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। मिस्टर थापर, मैडम ने आपको 10 मिनट दिया है, आइए। गुड मॉर्निंग सीएम साहिबा। गुड मॉर्निंग, आइए। जब से मेरी कंपनी में वो हादसा हुआ है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हादसे में मरने वालों और उनके घर वालों की चिंता मुझे खाए जा रही है। मैंने सोच लिया है कि अगर उनके लिए कुछ करना है तो पहले गायत्री देवी के हाथ मजबूत करो। बदले में आप क्या चाहते हैं? थापर केमिकल्स के ऊपर आपने जो इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, अगर आप उसे हटा लें तो लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। कितनी? 10 करोड़। बस? 20 करोड़। 40। ठीक है, 40 तो 40, डन। 40 करोड़ मैं आपको देती हूँ जी। उसके बदले में आप अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख मुझे दे दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, आप अपने जिस्म का एक भी हिस्सा बेच नहीं सकते और उन 500 मजदूरों की मौत खरीदने आए हैं जो आपकी फैक्ट्री के केमिकल गैस से मारे गए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि घटिया मशीनरी इस्तेमाल करने का नतीजा था जिसके जिम्मेदार आप हैं। अब मैं सिर्फ आपकी फैक्ट्री ही नहीं बंद कराऊंगी, आपके ऊपर 500 आदमियों की हत्या का मुकदमा भी चलाऊंगी। मैं असेंबली के अगले सेशन में बिल पास कराऊंगी ताकि आपके सारे केमिकल फैक्ट्रीज बंद हो जाएं। मिस्टर थापर, गायत्री बच्चन को सीएम के चेयर से हटाना होगा। नहीं, गायत्री बच्चन गोवा की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि यहां के लोगों के लिए राजमाता है। उसका कोई भी एमएलए उसके खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए उसे हटाने का रास्ता बैलेट नहीं, बुलेट है। थापर साहब, जब पूरे गोवा में उसके खिलाफ बैलेट देने वाला कोई नहीं तो उस पर बुलेट चलाने वाला कौन लाएगा? रानी लाएगी चीफ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुंबई में ऐसे बहुत से पेशेवर कातिल हैं जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। ठीक है रानी, तुम आज ही मुंबई चली जाओ और ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दो जो हमारा काम कर सके। को सिगरेट नहीं पीने देना। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू?
यहाँ कोई तोड़ फोड़ करे, मारपीट करे तो क्या होता है? तो उन्हें तोड़ने के लिए चार आदमी रखे हैं, देखो। ये आदमी है कि मटन की दुकान? लेकिन आप कौन है? तुमने गॉड फादर का नाम सुना है? वो मैं नहीं हूँ। गॉड फादर पार्ट टू का नाम सुना है? मैं वो भी नहीं हूँ। तुमने गॉड फ्रेंड का नाम सुना है? नहीं 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 नहीं, वो मैं हूँ। ओह नाइस मीटिंग यू गॉड फ्रेंड। तो आप जुआ खेलने आए हैं? जुआ मैं नहीं, गॉड फादर खेलेंगे। ओह गॉड फादर खेलेंगे, कब? ठीक 8 बजे। ठीक 8 बजे, ओ माय गॉड। तो जुआ खेला जाता है? हम यहाँ किस लिए आए हैं? सक्सेना, जो मेरे 40 लाख के हीरे चोरी हो गए थे ना? हाँ जी हाँ जी। वो आज मुझे यहीं मिलेंगे। कैसे? ये केस मैंने बादशाह नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिया है, उसने आज मुझे यहीं बुलाया है। चौंकीलाल जी, सेठ जी, आपकी गाड़ी में कौन बैठा है? वो तो मेरी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। पहले आप ये बताइए, मेरे हीरे मिले? फिक्र मत करो सेठ जी, आपका काम ऊपर चालू है। एक्सक्यूज मी, यहां सिगरेट पीना मना है। सॉरी। थैंक यू इडियट। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। इनकी तारीफ? ये तारीफ के काबिल नहीं, यहाँ के मैनेजर हैं। थैंक यू थैंक यू। आप किस टेबल पर खेलना चाहते हैं? ये तो नो लिमिट टेबल है। हमारे सर भी कोई काम लिमिट में नहीं करते, समझे? लिमिट में रहे आप। सर मैंने पहले कहा था ना, ये तारीफ काबिल नहीं है। चलिए आप। वेरी गुड, वेलकम सर, वेलकम। और कमाना चाहते हो? बैठिए। नई बाजी नए कार्ड्स। ओके। आपकी चाल है। अच्छा, ट्यूशन लेने कभी घर आना।
मेरी एक चाल। वाह। चचा, कुछ लोन मिल सकता है? कल बैंक खुलते ही आपको मिल जाएंगे पैसे। अभी अकेली डंडे का खेल नहीं है, रोकड़ा खत्म हो गया तो जाओ खा। एक मिनट। ये एक हीरा 2-2 लाख का है। चार लाख। क्या कहा था तुमने? ये गिल्ली डंडे का खेल नहीं है। ये 10 रुपये। रिक्शा पकड़ो, घर जाओ, बच्चों के साथ गोटियां खेलना। जुआ खेलता है। उठे। ठहरो। पैक करने की जरूरत नहीं है, ये बाजी अब हम खेलेंगे। तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं तुमको मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या चाल चली आपने? 2 हीरे, मेरा मतलब 4 लाख। ये हीरे भी 2-2 लाख के हैं। ये रही मेरी 8 लाख की चाल। मामू, ये हीरे डायमंड ही है ना? शट अप। शराफत तो सर के चेहरे से लटक रही है, टपक रही है। आपकी मूछें देखकर पता चलता है कि आप चीटर नहीं। अब 8 नहीं बल्कि 16 की चाल है। 16? हाँ, 16। 16। शो बोला, शो बोला। आप सुने नहीं? हाँ। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। बोला शो। गुलाम, ये 2रा गुलाम और ये 3रा गुलाम। बादशाह कहां से आया? बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? ए, इसका 3रा पत्ता बादशाह नहीं, चक्का था। मैंने तेरे चश्मे में देखा है। ओह, चश्मा। रामलाल साहब को चश्मा दिखाओ। इसमें देखा होगा? इन्हें कहते हैं कैसीनो चश्मा। अगर आपको ऑर्डर देना है तो एनी टाइम, मैं तो दुकान लेके घूमता हूँ। तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया? हमने आपको बेवकूफ कहां बनाया, आप तो हैं बेवकूफ। चलो रामलाल। कभी मानिक चंद का नाम सुना है? हाँ, रोज खा के थूकते। नहीं सुना है। भाई साहब हाँ, ये आप तो नीचे कर लीजिए ना, प्लीज नीचे कर लीजिए। हम ये भाईचारे से बात कर लेते हैं। ये पैसा आप ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ मेरी घड़ी भी आप ले लीजिए, बहुत अच्छी है। मेरी ऐनक भी आप ले लीजिए। आप तो मैं कहता हूँ मेरे सारे के सारे कपड़े भी ले लीजिए आप। चलती कम है, वो चलती ज्यादा है। मैं इसको अंदर रख लेता हूँ। ओके, लेकिन एक बात है। क्या हुआ? ये उंगली है। अरे आप लोग खाम का हाथ ऊपर कर रहे हैं। नीचे कीजिए, लीजिए, रिलैक्स। ये सिर्फ उछलती नहीं, चलती भी है। चलो रामलाल, पैसे उठाओ। कम ऑन। Thank you.
सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके हीरे आपको जरूर मिल जाएंगे। एक मिनट रुक जा। चचा शाबाश, लाओ इरे। ये लो मामू, चचा अपने आदमी है। इसका मतलब तुम सब मिलेगा। सॉरी मॉर्निंग चंद। साले, जीजा, ये क्या हो रहा है? हीरो का क्या हुआ? जीजा, मैं उन्हें जुए में डबल करने गया था। फिर वो बादशाह नाम के जुआरी ने मुझे बेवकूफ बना के वो हीरे मुझसे जीत लिए। क्या बेवकूफ? बादशाह जुआरी नहीं है, जासूस है। मैंने जो हीरे चुराए थे उसको वापस लाने का कॉन्ट्रैक्ट सेठ ने बादशाह को दिया था। जीजू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ से बादशाह तो क्या परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। वो हमारे पीछे है बॉस। वो तो पुतला है। पुतला नहीं, उसका चेहरा देखो। चेहरा क्या बॉस? उसकी मुंडी भी नहीं है। उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। अरे उसकी मुंडी है। मुंडी नहीं है बॉस। बॉस अब पगला गए बॉस। कभी तुमको मुंडी दिखती है? आपको टीवी में दिखता है। हमको काम नहीं कर रहा बॉस। तुम मारते हो? कहाँ जाके खेती कर रहे हैं आपके साथ? बात बात सुन भाई, अभी देख भाई। ए इधर है, इधर है, इधर। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाय, बाय। कुत्ते जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे और आप आपकी सारी बिरादरी से कितना डरता हूँ। एक मिनट। आपके एक गिने से पहले ही मिस्टर बादशाह आ जाएंगे। आ गए। सॉरी महेंद्र सेठ, मैं 5 सेकंड पहले ही आ गया। ये लीजिए आपके 80 लाख के हीरे। थैंक यू। और ये रहे आपके 50 लाख कैश। थैंक यू वन सेकंड बादशाह। इट्स ऑल राइट। ये मेरे चीफ असिस्टेंट मिस्टर रामलाल। हेलो। ये कल आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरे फीस के पैसे इनको दे दीजिएगा। ओके, लेट्स गो। The fluctuation and ramification of the constitutional ambiguity and the judicial paradoxical position can be a verbal turmoil. He's right.
ये कहूं हर पल। मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल, कर कोई हलचल होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे, कोई दीवानगी संजी में मशरूफ और मशगूल हैं। ता वक्ते के दीगर अस्हाब जमात मिसराए सानी के बकिया अरकान की अदायगी फरमा रहे हैं। आए, ये क्या गालिब की गजल है? मेरी है। रेत में तैरना सीख ले और समंदर के ऊपर टहल, बिन भैंसों के आगे बचा और हवा में बना ले महल। सूट लोहे का सिलवा ले तू और पैरों पे चश्मा लगा, हाथ में बांध ले वो घड़ी जिसमें हो सारे तेरा बजा। आए, मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल, कर कोई हलचल होने दे होने दे होने दे, होने दे, होने दे, कोई दीवानगी। एक पके माली के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपचित भूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार। मैंने दूरदर्शन में सुना है। पेड़ से तोड़ ले मछलियां, बिल्लियों को तू गाना सिखा, चांद को कर दे चौकोर तू और सूरज की कोना बना। बिना पहिए की गाड़ी में चल, भूल जा अपने घर का पता, लेके हाथी को मुट्ठी में तू कैबरे देख ले ऊंट का। मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल, कर कोई हलचल होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे, कोई दीवानगी। खर्चे की चिंता तुम मत करो, तुम्हारा हस्बैंड गणपत राय मेरा दोस्त था और बादशाह ने मेरे को टेलीफोन पर सब तकलीफ बताया है। नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे सब दिखाई देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बादशाह है ना, इतना छोटा था ना, तभी मैंने उसको देखा था, अभी तो बड़ा हो गया होगा ना। किधर मिलेगा वो? वो इस वक्त ऑफिस में है। किधर है उसका ऑफिस? वो बाजू में गली है ना, वहाँ नहीं जाना। अच्छा। उसके सामने एक और गली है, वहाँ भी नहीं जाना। अच्छा। फिर थोड़ा आगे जाके उसके सीधे हाथ में एक और गली है। अच्छा। वहाँ भी नहीं जाना। समझ गया समझ गया, किधर भी नहीं जाने का, मैं ढूंढ लेगा बादशाह को। साहब जी मोटो सामान वचमा रखो। कौन था ये अंधा? आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मरी गयो रे, बादशाह को ढूंढने का बहुत डिफिकल्ट काम है। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? आपके लाडले बादशाह की वजह से। देखिए भाभी जी, आपके पति गणपत राखी में बहुत इज्जत करता था, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उनका बहुत नाम था, और इसीलिए चुप बैठा हूं, वरना उसकी डिटेक्टिव एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करा देता। हमारे डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है उस लड़के ने।
खाली बैग रामलाल, पैसे कहाँ हैं? गिरा दिए क्या? डूब गए। कैसे? कैसे बताता हूँ कैसे डूब गए। जुए का टेबल तोड़ा, 10,000 रुपए चुकाया। दो कुर्सियां तोड़ी, 2,000 रुपए। 12,000 रुपए हुए ना बाकी। दो कट ग्लास के एक्स्ट्रे, 900 रुपए। 12,900 बाकी। और झूमर, 20,000 रुपए। 32,900 बाकी। गुलदस्ते और छोटी मोटी चीजें 1,000 रुपए। हाँ तो यार 33,900 बाकी। बाकी वो जो सुपरमैन की तरह डाइव मार के निकल गया था ना कांच तोड़ के, वो इम्पोर्टेड कांच था, 15,500 रुपए भर के आ रहा हूँ। ओहो, इतना कीमती कांच तोड़ के नीचे आने की क्या जरूरत थी? सीधे सीढ़ी से नहीं आ सकते यार, मुझे कोई शौक है कांच तोड़ने का? मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। तू गाना गा लेता। लेकिन रामलाल फिर भी 600 रुपए तो बचे होंगे ना यार। 600 रुपए, ये मेरी हालत देख रहे हो? क्या हुआ? नंगा आने वाला था यहाँ, 500 रुपए कपड़ों का भाड़ा देकर आ रहा हूँ। ये 100 रुपए बचे हैं, इसे संभाल के रख लो। कोई बात नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आज के अखबार में जो हमारे कारनामों की तारीफ छपी है, उसे जब ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे ऑफिस के सामने कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। लग गई। बादशाह का ऑफिस किधर है? ये क्या ऊपर है ना? ये बादशाह का ऑफिस है। अरे इधर से मैं 4 बार गुजरा, मेरे को किसी ने बताया नहीं। जा बेटा, थैंक यू। ओके। अरे वाह, ऑटोमेटिक है। बन भी होता है। सिग्नल टू, यस। ए भाई, इसमें कागज तो डाल। ये ऑटोमेटिक है। कमाल है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। इधर वो बादशाह काम करता है ना, बादशाह। वो किधर मिलेगा? बादशाह यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। मालिक है? हाँ, वो किधर मिलेगा? कुर्सी पे बैठिए। पेड़ा किधर? नहीं उधर। तेरा बाप पेड़ा? मेरे को एड़ा बोलता है सर। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम बादशाह है क्या? बादशाह मैं? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। कैसे हैं टाटा साहब? देखिए, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके जहाज की चोरी का केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिरलास और अंबानीज भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। जी हाँ, और वो किर्लोस्कर ने तो नाक में दम कर रखा है सर। क्या आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं टाटा साहब? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हैं। Don't waste my time. Okay, Tata, bye bye. अगर ये टाटा का फोन फिर से आए तो कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। Okay, मिस्टर बादशाह, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी क्लिंट ईस्टवुड का फोन है। वो कह रहे हैं अमेरिका में उनका कोई एटम बम चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालने का कुछ $10,00,000 देने को तैयार है। अमेरिका? No, मैम, तुम्हें तो मेरा असूल मालूम है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ऊपर। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ए ऊपर कैलकुलेटर है, नीचे कर। सर, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे सीक्रेट साइन कर दीजिए। साइन किधर हुआ? शराब, ये सीक्रेट साइन है। हाँ तो कहिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि ऑपरेशन करने का है लेकिन माँ ना बोलती है। इसका मतलब है कि माँ को मनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट। ओके, माँ की उम्र? यही कोई 50 के आसपास। और आपकी उम्र? 55। माँ की उम्र 50 और आपकी उम्र 55, यानी बेटा माँ से भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। ये गधेरा, मैं तेरी माँ की बात करता हूँ। मेरी माँ? तूने सवेरे मेरे को फोन किया था ना?
आप डॉक्टर रुस्तम है क्या? एकदम करेक्ट। सवेरे साला मेरे को फोन करके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब माँ के ऑपरेशन का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके देगा। और साला तुम लोग इधर लाखों करोड़ों का धंधा करता है और ऑपरेशन फोकट में कराने का। मैं नहीं करेगा तेरी माँ का ऑपरेशन। किधर गया? मैं यहाँ हूँ डॉक्टर साहब। नीचे उतार। हम लोगों से गलती हो गई, हम समझे आप हमारे कस्टमर है। नीचे उतार। ये लाखों करोड़ों की बात, ये यहाँ का ऑफिस, ये सब झूठ है। नीचे उतार। अरे नीचे उतार ना यार तू। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ का ऑपरेशन सस्ते में करा दीजिए प्लीज। देख अभी मेरा दिमाग बहुत गरम है, ठंडा होने दे, उसके बाद थमने ली बात से हम सोचेगा। नीचे उतार। नीचे तो हम बैठ के आपसे माफी मांग रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं नहीं कर सकता मेरी माँ का ऑपरेशन। क्या कर रही है माँ? माँ झूठी मार रही है। माँ 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 यहाँ ऑफिस में मत बात, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर माँ प्लीज। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर जासूसी करने लगे। गणपत राय का पूरा फैमिली मैन है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मरी गयो ने खैर, आज मैं तेरे सर से जासूसी का भूत क्या बात करी ही रहूंगी। तुझे हवालदार बना। मामा एक मिनट, तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं? हाँ। तुम चाहती हो ना कि मैं कामयाब हो जाऊं? हाँ। पिताजी भी यही चाहते थे? हाँ। तो बस माँ प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत देते, और अगर इन 2 महीने में मैं कामयाब नहीं हुआ ना, फिर तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सच, अगर तुम कहोगे मैं हवलदार बन जाऊं तो मैं हवलदार बन जाऊंगा, तुम कहोगे मैं पहरेदार बन जाऊं तो मैं पहरेदार बन जाऊंगा, तुम अगर कहोगे मैं जमादार बन जाऊं तो मैं जमादार बन जाऊंगा माँ। सच। अच्छा अच्छा, चल कर खाना खा ले। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं चलता हूँ। अरे वो चारों नालाय कहाँ गए? हम सब यही हैं। शिवा, एक करोड़ एडवांस बाकी काम होने पर। टारगेट गोवा की चीफ मिनिस्टर गायत्री बच्चन। जगह एक ओल्ड पीपल होम का उद्घाटन, उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारा ये वीआईपी पास। पास से तो मैं अंदर जा सकता हूँ, हथियार अंदर कैसे जाएगा? ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारी मदद करेगा। ये फंक्शन 15 दिन बाद 26 सितंबर को है। ओके। 26 सितंबर? इसका मतलब है 24 सितंबर तक हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये काम करेगा कौन? बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी? लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ो। हा? वो भी मालदार है। पूरा नो 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 इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेटली सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करो, उनसे कोई मिलना चाह रहे हैं, इट्स वेरी अर्जेंट। चार्ली सेंड द सिग्नल। ओके। अंबू अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे भाभी केम छे? मजा मा? गुड मारी याद आप जो। ओके ओके बाय बाय। हाँ आओ जो आओ जो आओ जो। यस मिस्टर झुंझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुंझुनवाला। बैठ जाइए, कहिए क्या काम है। ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन
लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। यह है नितिन धर्मपाल। हाय। मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो? वो नितिन को पसंद तो करती है लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहता। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा? और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर, अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं। जी। और 26 तारीख से पहले आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दूं। जी बिल्कुल, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर कुछ एडवांस का है तो। नहीं नहीं झुनझुनवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 ले। यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है झुनझुनवाला साहब? अब आपका केस ही कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो 10 बढ़ा ले बढ़ा ले 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। या थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच वेरी मच। झुनझुनवाला साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बादल ओहो कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरे बाहें आहा। जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है। ये लीजिए मैनेजर साहब, फुल एंड फाइनल। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता आप आराम कीजिए। किसी को शक तो नहीं होगा? No. Don't worry, हम संभाल लेंगे। कितने ही जलवे हैं आंखों में घुलती है जिनसे चांदनी, कितनी ओ बातें हैं कानों में घुलती है जिनसे रागनी। ये चले जैसे जरा बल खाके वो
वो चले जैसे जरा इठला के, ये मिले जैसे जरा शर्मा के, वो मिले जैसे जरा इतरा के, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाए हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, गुलशन की है वो कली जो सारे फूलों से बिल्कुल है जुदा, क्या कहिए ओ देखा है इन आंखों ने उसमें ऐसा रूप क्या, क्या अजीब सी ताजगी है, क्या हसीन सी सादगी है, क्या अजीब सी दिलकशी है, क्या हसीन सी दिलबरी है, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाए हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। क्या हुआ मैडम? ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख देख कर इशारे कर रहा था, मुझे घूर घूर कर देख रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बेचारा तो अंधा है। आ, आ, मेरा चश्मा। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये अंधा है तो कैसे नाच रहा था, कूद रहा था? बिना देखे ये सारी जगह कैसे घूम सकता है? एक कलाकार अपनी मन की आंखों से देखता है, ये बेचारा तो अपना पेट पालने के लिए सालों से यहाँ पे गा बजा रहा है, यहाँ के कोने कोने से वाकिफ है। आपने खाम खाए से मार दिया। रहने दीजिए मैनेजर साहब, रहने दीजिए। जिसे किस्मत ने इतना मारा हो उसे कोई और थप्पड़ मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? मैडम। ओ मैडम यहाँ नहीं, मैडम यहाँ है। मैडम ने पैंटे पहनी है। मैडम आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, वो क्या है ना कि इस दुनिया ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी दी कि मैं भूल ही गया कि मैं अंधा हूं, लेकिन आज आपने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया है कि अंधा आखिर अंधा ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भाई साहब, भाई साहब, आपका कोट। अच्छा भाई, ले आओ। शुक्रिया। हमारी छड़ी ये लीजिए। अच्छा चलता हूँ। अरे अरे भाई, भाई कोई है जो हमें हमारे बस स्टॉप तक छोड़ देगा? अरे भाई, हमारे हमारी बस का वक्त हो गया है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए आप चलेंगे? हाँ। अच्छा आइए, अलविदा। आराम से रहिए यार, संभल के तो चलो ना। हाँ। बहुत ही खुददार इंसान है, भूखा मर जाएगा लेकिन वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा और कहीं गाना नहीं गाएगा। अरे सुनिए, एक एक मिनट बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आंखों से अंधा हूं और अभी अभी एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खा के आ रहा हूं। जी लड़की मैं ही थी। ओ
पेंटों वाली जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो मेरे इस अंधेपन का है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? जी। चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। आइए ना। काम हो गया। क्या बोलते हो? हाँ, बादशाह ने लड़की को पटा लिया है और यहाँ पर लेके आ रहा है। बस मेरा घर आ गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपका घर आ गया? यहीं पास ही में एक तबेला है ना, उसी की खुशबू से। ओह, अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब यहाँ तक आई हैं तो इस गरीब की कुटिया में एक कप चाय तो पीकर चाहिए। रात बहुत हो गई है, फिर कभी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। बारिश? हमारी बस्ती में अक्सर ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि जब तक बारिश ना रुके आप मेरे गरीब खाने में रुको। आइए ना। चली गई? नहीं। आइए ना। ओके। आइए आइए, मेरे गरीब खाने में आप आई। आइए आइए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। संभल के। माफ कीजिएगा, सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं ये कपड़े उठा के जरा इधर ट्रंक में डाल देता हूँ। मेरी किताबें भी ऐसी पड़ी हैं, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, विद्या की कदर ही नहीं है किसी को। और देखिए, बारिश बाहर हो रही है, छतरी यहाँ पर पड़ी है, मैं इसे यहाँ घड़ियाल पर टांग देता हूँ। अब आइए। कमाल है, आप बिना देखे हर चीज सही जगह पर रखते हैं। कमाल कुछ भी नहीं, एक्चुअली सब कुछ गिना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीन कदम पर टीवी, ये तीन उल्टे कदम पर आप, ये पांच कदम पर फ्रिज, ये उल्टे पांच कदम पर आप। पाओ, भूख लगी है आपको? नहीं। कोई बात नहीं, खाइए। अरे वाह, शीशा नहीं टूटा और अखरोट टूट गया। ये कमाल है, लेकिन ये कमाल आप भी कर सकती हैं। अपना दाहिना हाथ दीजिए, दीजिए दीजिए। अब इस अखरोट को अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियों और एक अंगूठे के अंदर दबाइए, दबाइए। अब इन दोनों को 45 डिग्री राइट में घुमाइए और हाथ के जोर से नहीं, शोल्डर के जोर से फेंकिए, फेंकिए। हुआ? It's amazing. अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Sorry, मुझे लगता है आपको सर्दी से जुकाम हो गया है। एक मिनट। एक, दो, तीन, चार, पांच। सुनिए, मुझे ठंडा नहीं पीना। मैं आपको ठंडा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको कपड़े दे रहा हूँ। ठंडा तो हम अलमारी में रखते हैं। ले लीजिए। चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल A1 चाय बनाकर लाता हूँ, कड़क मीठी शक्कर कम लाइट। पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं। मैं आप ही को देख रहा था। क्या? इन आंखों से नहीं, उनकी आंखों से। क्या आप जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो मैं गरीब भी नहीं था। मेरे पिताजी बहुत ही हैंडसम रईस थे। ये इस दीवार पे उनका एक फोटो होगा। होना लूलू में हमारी हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी, तीन चार बंगले, 10-12 गाड़ियां। लेकिन एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पिताजी उस सदमे से चल बसे।
मेरी माँ को तो मैंने पैदा होने से पहले ही खो दिया था। फिर मेरी इस वीरान अकेली जिंदगी में मीना आ गई। मेरी ये खुशी भी शायद कुदरत को मंजूर नहीं थी। एक दिन वो रास्ते से जा रही थी कि अचानक सामने से ट्रक आ गया। मीना अपनी मस्ती में थी, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैं दूर से चिल्लाया मीना, लेकिन मीना ने मेरी आवाज नहीं सुनी। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं सड़कों पर चिल्लाने लगा, मीना मीना मीना, अरे कोई है, अरे कोई मेरी मीना को बचाओ, अरे उसके सामने से कोई ट्रक को हटाओ। लेकिन मेरी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, मैं उसकी तरफ दौड़ा। ट्रक उसको कुछ चलने ही वाला था कि मैं उसकी तरफ लपका, मैंने उसे हटाया। लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट्स ने मेरी आंखों की लाइट हमेशा के लिए छीन ली। और मीना जी वो कैसी है? मीना जी, मीना मीना तो अब मेरे साथ ही है। और अब तो वो दो बच्चों की बाप ही बन गई है। कहाँ है वो? यही होंगी। अरे इधर ही गया, सो सॉरी। मीना मीना, अरे देखो कोई मिलने आया है। यही है मेरी मीना। ये मीना है? हाँ, आ जाओ आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि अब मैं अपनी मीना को देख नहीं सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी आंखों का इलाज हो सकता है अगर डॉक्टर रुस्तम चाहे। लेकिन डॉक्टर रुस्तम की फीस 20,000 रुपए है और मेरी जेब में तो 20 रुपए भी नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा मैं दे दूंगी। सच कह रही हैं आप? अगर आप इतनी दोस्ती से कह रही हैं तो मैं कल ही ऑपरेशन करा लेता हूँ। अब देखिए ना, आपने मुझे अपना दोस्त भी बना लिया और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। ओके, मेरा नाम बाबूलाल है, लेकिन शॉर्ट के लिए आप मुझे राज कह सकती हैं। कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है। कल डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर ले जाने के लिए मैं आपको यहीं से पिकअप करूंगी। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं 8:02 पे आपको बस स्टॉप पर मिल लूंगा। ठीक है। अरे बारिश भी रुक गई। खाली हो गई होगी टैंकी। क्या टैंकी यू कहना खाली बाकी रह गया है। अब आप जाइए। एक मिनट, मेरे पास ये कुर्ता एक ही है। I'm sorry. कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। आ गए बस यही बस आ गए। अरे ये इलाका तो बिल्कुल आपके घर जैसा है। अच्छा, मेरे घर जैसा है? मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने तो अपना घर देखा नहीं ना कभी। I'm sorry. कोई बात नहीं, क्या है कि पूरा कॉम्प्लेक्स लोकंड वाला ने बनाया ना, इसलिए सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं। चले, 8:04 हो गए। Of course. Excuse me. Yes, आप लोगों का अपॉइंटमेंट है? हमारा 8:05 का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम आधा मिनट लेट हो गए। ठीक है ठीक है, आप लोग बैठिए, डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन थिएटर में, अभी आते होंगे। हाँ, सुपारी ऑपरेशन सक्सेसफुल। अरे कितना बड़ा ऑपरेशन था, मैंने एक बच्चे को मेंढक की आंख फिट करके आया। बोलो, मेंढक की आंख? हाँ, बच्चे की आंख का साइज छोटा होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं आता। डॉक्टर साहब, क्या आप इनको भी मेंढक की आंख लगाएंगे?
अरे दिख रहा, मैं पागल हूँ, इसको भेंडे की आग लगाऊंगा। अरे इसको तो मैं दो अलग अलग आग लगाऊंगा, एक बकरे का, दूसरा उल्लू का। जी हाँ, देख बकरे की आंख से उसको दिन में दिखेगा, पर उल्लू की आंख से उसको रात में भी दिखेगा। डबल बजाने सिंगल डम, डॉक्टर रुस्तम जिसका नाम। डॉक्टर साहब, आप मुझे इंसान की आंखें नहीं लगा सकते? देख इंसान की आंख लगाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 5,000 एक्स्ट्रा होगा, उसका फायदा क्या है? जी मैं पूरे 25,000। नहीं 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 सीमा, रहने दो, मैं उल्लू और बकरे की आंख से काम चला लूंगा। नहीं राज, तुम्हें मेरी कसम, अभी ऑपरेशन का टाइम हो गया है, अभी अंडेरा हो जाएगा ना तो मेरे को भी दिखेगा नहीं। क्यों? ये जो मेरी दोनों आंखें हैं ना, ये बकरे का है। चलो चलो सॉरी यार। ओके, अरे इतना बड़ा ऑपरेशन है तो मेरे साथ चलता है। अरे चलो चचर पहले जल्दी करो, जल्दी करो, कितना डेंजर केस है मालूम है? चलो हरी अप हरी अप। ऑल द बेस्ट राज, मेरा इंतजार करना सीमा, मेरा इंतजार करना। बादशाह भाई कैसा लगा? कैसा क्या लगा भाई, वकूफ अंदर क्या बेकार की बातें कर रहा था तू भी? दो दो आंखें लगाऊंगा, एक बकरे की और एक उल्लू की। अरे उसको इंप्रेस करने के चक्कर में जरा ज्यादा बोल दिया मैंने। अबे साले तेरे इंप्रेस करने के चक्कर में सारा भांडा फूट जाता, सब मालूम पड़ जाता उसको। मैंने पहले बोला मेरे को डॉक्टर का जमता नहीं है। तो क्या बनना तेरे को फिर? मैं हमेशा कमांडर बनता हूँ ना। कमांडर बनता हूँ बेवकूफ। देखो बादशाह भाई कितनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे को ऐसा बोलते हैं। पट्टी लगा, पट्टी लगा। कितनी मेहनत करता हूँ, दुख होता मालूम है क्या? ऑपरेशन सक्सेसफुल। इतनी जल्दी पट्टी खोलेंगे आप? अरे दिख रही, ये लेजर ऑपरेशन है, इसमें तुरंत पट्टी निकालना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेशन होता है ना तो हम लोग पट्टी लगाता नहीं है। अच्छा। चल दिख रहा, अभी तू सबसे पहले किसको देखेगा बोल? मैं सबसे पहले उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ईस्टमैन कलर होने जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। चल दिख रहा, अभी जल्दी से एक झटके में आके कॉल। दाई खोलूं कि बाई? दोनों एक साथ कॉल, नहीं तो तेरी देवी है ना तेरे को आरी आरी दिखेगी। चल कॉल। मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सीमा ना, सीमा तुम कितनी सुंदर हो और ये हॉस्पिटल कितना आलीशान है। बहन, आंटी आंटी आंटी, आप भी कितनी अच्छी है। और डॉक्टर साहब, आप कितना अच्छा हिलते हैं। बहुत प्रैक्टिस किया दिख रहा। थैंक यू डॉक्टर। ओह आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। अभी नहीं, अभी नहीं, ए तीसरा ऑपरेशन है, चलो चलो। सीमा थैंक यू वेरी मच, आई एम सो हैप्पी राज। मैं भी। अखरोट खाओगी? इन आंखों से दुनिया कितनी रंगीन लगती तुम्हारे लिए। कमाल है, आज भी अखरोट टूटा और शीशा नहीं टूटा। कुछ कमाल नहीं है, अगर अखरोट फेंकने वाले के दिल में किसी के लिए प्यार हो तब अखरोट नहीं सिर्फ शीशा टूटता है, ये मेरा मानना है। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? एक सेकंड ट्राई करो। फेंको फेंको। हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया और तुम्हारी आंखों में तो मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है। कहीं तुम्हें मुझे भी। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या। ओ ओ, 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 ओ।
बातों को ये पगला नहीं मानता, ये प्यार हो जाए कब कोई नहीं जानता। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या हो ओ, 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 ओ। मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या हो ओ, 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 ओ। बादशाह, मैंने अपनी बेटी की शादी नितिन से करवाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था और तुम खुद उसके साथ। नहीं 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 झुंझुनवाला साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो असली बात यह है कि कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है, और दिल तोड़कर जोड़ने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप नितिन को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। मेरी बात का यकीन करो सीमा, राज तुम्हें धोखा दे रहा है। आज राज का बर्थडे है और मैं वहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो चलो। आगे 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 चुप गो। अरे यार एकदम कमाल ही हो गया। नहीं, इधर से अंदर आई तो मेरा घर, उधर से अंदर आई तो आंखों के इलाज का हॉस्पिटल। कुछ भी कहो यार, सीमा से ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, एकदम डर। खुद कहने लगी, अरे जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप हर चीज सही जगह पर कैसे रख लेते हैं। और मेरी खोपड़ी देखो, हाँ मेरी खोपड़ी देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं हर चीज अपने कदमों से गिनकर रखता हूँ। अभी देखो मैंने क्या नाटक किया उसके साथ है? मैंने उसको बोला देखो ये आगे 3 कदम पे टीवी है और पीछे 3 कदम पे आप। आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शट अप, मैंने भी कहा इनको। पैसों के लिए इतना बड़ा नाटक किया, क्या नाटक किया, फिर इमोशंस के साथ खेला, काम ऐसा अंधा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। सच तो ये है कि अंधे तुम नहीं, मैं थी। मैं तो डॉक्टर को कितनी आसानी से तुम्हारी इन बातों पे यकीन किया तुम पर। तुमसे प्यार किया, सभी करती हैं। ओह गॉड, आई एम सच अ फूल कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए आया है। बिना मौसम के बाहर टाकी खाली हो गई है। डॉक्टर 5 मिनट की लेजर ऑपरेशन, रहने दो सीमा, मैं बकरे और उल्लू की आंख से कल चला लूंगा। मैं क्या फर्क, आई हेट यू। अरे कोई हो यार इसको। अरे नितिन, काम हो गया डैडी, काम हो गया। चुप बेवकूफ, डैडी मत बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।
एक बार ये लड़की तेरी हो जाए फिर देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि झुंझुनवाला की फाइल सीबीआई तक कैसे पहुंचती है। चल अंदर चल। अरे पेप्सी पी पी के। अरे यार जल्दी हटाओ ना, जल्दी हटाओ, काम हो गया अभी। थैंक यू मिस्टर बादशाह। हेलो मिस्टर झुंझुनवाला, आपने एक बाप का सपना पूरा कर दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये रहे आपके बाकी के 40,000। थैंक यू रामलाल, ये स्विस अकाउंट में डाल दो। ओके सर। वैसे सर, जिनकी जिंदगी छोटी होती है उन्हें बड़े बड़े वायदे नहीं करने चाहिए। जी अरे आपका है ना वो। ओह। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है, अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। गॉन, हे कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सीमा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। बस तुम जाओ और उसे खुश रखना। ओके श्योर, ऑल द बेस्ट। श्योर। चले अंकल। हाँ। एक एक मिनट, एक ये 25,000 रुपए मैंने आपकी बेटी से लिए थे ऑपरेशन के बहाने, और ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या चले बादशाह भाई। पहली बार इस काम में मजा नहीं आया, लड़की का दिल तोड़ना नहीं चाहिए था, नहीं ऐसा मेरे को लगा। नहीं नहीं रामलाल, किसी का दिल जोड़ने के लिए कभी कभी दिल तोड़ना भी पड़ता है। अब देखो, अगर मैं उस लड़की का दिल नहीं तोड़ता तो वो अपने बाप की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। अपने को कॉन्ट्रैक्ट भी यही मिला ना, जिसके लिए इतने पैसे मिले। और देखो वैसे भी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले कि सीमा को हमारी असलियत का पता चले, तुम फौरन कोर्ट मैरिज कर लो। ओके डैड। ताकि हमारा प्लान कामयाब हो सके। सीबीआई ऑफिसर दीपक मल्होत्रा। यस, धनलक्ष्मी बैंक घोटाले केस में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करता हूं। आज 26 सितंबर का दिन गोवा के इतिहास में गायत्री बच्चन का मरण दिन बन जाएगा। अभी कुछ ही देर में उसके मरने की खबर आएगी और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लो, गुड न्यूज आ गई। हेलो, मैं रानी बोल रही हूँ। हाय रानी। सुना दो खुशखबरी की कहानी। चीफ, शिवा की कार का एक्सीडेंट हो गया है, मिशन हैज फेल्ड। मिशन फेल हो गया। 26 सितंबर गोवा, सीएम मिसेस गायत्री बच्चन का पब्लिक फंक्शन। उस फंक्शन से 200 मीटर दूरी पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ। उस कार में मरने वाला मुंबई का एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर शिवा था। उसके पास से पुलिस को यह पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स, मुंबई से गोवा तक आने जाने का रिटर्न टिकट और सीएम के फंक्शन का जला हुआ ये वीवीआईपी पास मिला। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से 1 करोड़ रुपया कैश और यात्री बच्चन की ये तस्वीर मिली। चीफ, इसका मतलब है शिवा को किसी ने सीएम की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और शिवा के पास से फंक्शन का वीवीआईपी पास मिलने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट देने वाले की पहुंच बहुत अंदर तक है। एग्जैक्टली, बट रिमेम्बर, एक्सीडेंट में कॉन्ट्रैक्ट किलर मारा गया है, कॉन्ट्रैक्ट देने वाला नहीं। इससे पहले कि वो दोबारा कोशिश करे, हम अपना एक सीक्रेट एजेंट गोवा भेजेंगे, जहां वो न सिर्फ मिसेस गायत्री बच्चन की हिफाजत करेगा बल्कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। मैंने इस केस के लिए एक ऐसा होनहार एजेंट चुना है जो इतना काबिल है कि उसने अकेले ही झुंझुनवाला बैंक फ्रॉड केस को सॉल्व करके उसकी फाइल 24 सितंबर को मेरे पास भेज दी। और साथ में इतना सीक्रेट भी है कि सारे डिपार्टमेंट में उसे मेरे अलावा और कोई नहीं पहचानता। मिस्टर नाथन, अब आपका काम यह है कि आप मुंबई जाकर इस सीक्रेट एजेंट को
ये कंप्यूटर फ्लॉपी देंगी। इस केस में जिन लोगों पर हमें शक है उनके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। उनसे कॉन्टेक्ट करने का तरीका? वो सब इस कवर में है। ओके। मिस्टर शर्मा, प्लेन में सीट नंबर 1C पर बैठने वाला हमारा सीक्रेट एजेंट होगा। आप उसे ये फूल लगाएंगे और उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखेंगे। जी। एंड मिस्टर चोपड़ा, आप उस एजेंट को गोवा एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और इस फूल के जरिए आप उसे पहचानेंगे। राइट सर। आप उसे वो तमाम चीजें देंगे जिनकी जरूरत उसे इस ऑपरेशन में होगी। ओके जी। एंड नाउ फाइनली, हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन मां और हमारे सीक्रेट एजेंट का कोड नेम होगा बादशाह। थापर, आज सीबीआई की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या बात है चीफ? बात दिल्ली सीबीआई तक पहुंच गई है और इंक्वायरी करने के लिए बादशाह नाम का एक सीक्रेट एजेंट मुंबई से यहां गोवा आ रहा है। रानी, कल मुंबई में सीबीआई ऑफिसर मिसेस नाथन उस एजेंट को मिलने जा रही है। तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो बादशाह कौन है। कही है महेंद्र सेठ, बादशाह की याद फिर से कैसे आ गई? देखो, मैं टेलीफोन पर नहीं बता सकता, तुम मुझे फॉरेन फैंटेसी लैंड में मिलो। फैंटेसी लैंड? ओके, ओवर एंड आउट। It's okay. अब तो किससे मिलती है? मुझे उसी का इंतजार है। कहिए सेठ जी। बादशाह? इधर मत देखिए, वापस घूम जाइए, वापस। हम इसी तरह बात करेंगे ताकि किसी को भी शक ना हो। तो कहिए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेरी 7 साल की बेटी अंजू कल गोवा बोर्डिंग स्कूल से किडनैप हो गई। आपने पुलिस को खबर की? नहीं नहीं नहीं, किडनैपर ने धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस को खबर की तो मेरी बेटी को मार डालेगा। आपको ये बात कब मालूम पड़ी? कल रात को किडनैपर का फोन आया था। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ। मिस्टर दीपक, मैं अकबर अली से बोल रही हूँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? आपके आसपास, लेकिन हम सिर्फ फोन से बातें करेंगे। हो सकता है किसी ने आपका पीछा किया हो और वो मुझे पहचान ले। कहिए, मेरे लिए क्या मैसेज है? आपको गोवा जाना है। गोवा? हाँ, किडनैपर ने मुझे गोवा के होटल ब्लू नाइल में ठहरने के लिए कहा है। अगला मैसेज मुझे वही मिलेगा। आखिर वो चाहता क्या है? 5 करोड़ के हीरे। देखो, मैं हीरे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो हीरे भी ले ले और मुझे मेरी बेटी भी वापस न दे। इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। घोड़े के पैर पड़ने की जरूरत नहीं। आप इतना बताइए कि आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तुम गोवा जाओ और किडनैपर से डील करो। ओके, गोवा कब जाना होगा? कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से, और उस ऑपरेशन का कोड नेम होगा ऑपरेशन मां। फॉर सिक्योरिटी रीजन टिकट आपको डायरेक्टली इंडियन एयरलाइंस के एग्जीक्यूटिव क्लास काउंटर पर मिलेगा और वहां आपको अपना कोड नेम बताना होगा। कोड नेम क्या है? बादशाह। वक्त बहुत कम है, आप जल्दी से ट्रेन की टिकट बुक करवा दीजिए। क्या बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें फ्लाइट से भेजूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ 4 छोटे जासूस भी हैं। कोई बात नहीं, मैं सारी टिकटें एयरपोर्ट के काउंटर पर रख दूंगा। आप वहां जाइए, अपना नाम बताइए और टिकटें आपको मिल जाएंगी। रही बात गोवा में इंतजाम की, मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को वहां फोन कर दूंगा, वो सारा काम कर देगा। ये रहे, घूम जाइए। ये रहे 5 करोड़ के हीरे, ये मेरी बेटी की तस्वीर है। ओके, इस केस की फाइल कहाँ है? वो एक कंप्यूटर फ्लॉपी में है। बताइए, मैं उसे आप तक कैसे पहुँचाऊँ? आप उसे वहीं पर्स में रख दीजिए और उस पर्स को वहीं छोड़कर चली जाइए, मैं ले लूँगा।
वेल डन, वेरी गुड। आज शाम की फ्लाइट से तुम गोवा चली जाओ। मैं टॉम अंकल को फोन कर दूंगा, वो तुम्हें वहां मिलेंगे। उन्हें गोवा के बारे में बहुत जानकारी है। He'll help you with everything. कल सुबह तुम मुझे गोवा एयरपोर्ट पे मिलना। याद रहे, मेरा कोड नेम होगा बादशाह और तुम्हारा नाम रोजी। थैंक्स। हेलो, मैं रानी बोल रही हूँ। हाँ रानी, बादशाह के बारे में कुछ पता चला? जी, वो बहुत चालाक निकला। मिसेस नाथन के पास आए बगैर ही फ्लॉपी लेकर चला गया। क्या? बादशाह को पहचानने का हमारे पास सिर्फ एक ही मौका था और तुमने वो भी खो दिया। चीफ, मेरे पास एक मौका और है। वो एयरपोर्ट पर अपना टिकट लेने के लिए काउंटर पर आएगा और अपना नाम बादशाह कहेगा और मैं उसे पहचान लूंगी। तुम एक काम करो, इस बार किसी होशियार आदमी को ढूंढो जो बादशाह को एयरपोर्ट पर ही खत्म कर दे और खुद बादशाह बनकर गोवा आ जाए। डोंट वरी चीफ, अब ये काम मैं अपने मोती से करवाऊंगी। रानी, ये काम किसी कुत्ते का नहीं है। जी, मोती कुत्ता नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। वो आज ही जेल से छूट के आया है और इस वक्त मेरे साथ है। ठीक है रानी, अगर तुम्हारे मोती ने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें मोतियों से नहला दूंगा, नहीं तो तेजाब से। थापर साहब, मोती को बादशाह बनाकर यह लाने से फायदा क्या है? सीबीआई वाले मोती को अपना बादशाह समझेंगे और उसे गायत्री बच्चन का रक्षक बना देंगे। मौका मिलते ही गायत्री बच्चन को मारकर वो रक्षक भक्षक बन जाएगा। Announcing the departure of IC 147 to Jamnagar. Passengers kindly proceed for security check. Okay, okay, airport आ गया, airport आ गया। आराम से, आराम से, everybody control yourself. Okay, Ram Lal, तुम ये सारा सामान लेकर आओ, मैं अंदर जाकर टिकट लेता हूँ। Okay, okay, yes, no problem. सारा सामान निकालो। साहब, ट्रॉली चाहिए? फ्री में है? हाँ, फ्री में तो चाहिए। Your attention, please. Next, your name and your ticket, please. मेरा नाम है वॉकमैन। वॉकमैन? मैं अपना वॉकमैन कहीं भूल आया हूँ, मैं भी आता हूँ, आप जाइएगा मत। जी, अरे सॉरी, सॉरी, ये लीजिए, थैंक यू। अरे जल्दी सामान रख, प्लेन छूट गया तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। रख रहा हूँ, जल्दी रख। रामलाल, प्लेन को प्लेटफॉर्म पर लगने में 2 घंटे बाकी, कोई टेंशन। रामलाल, मेरा वॉकमैन तेरे पास है? मेरे पास? अरे ध्यान से देख यार। टिकट प्लीज। बादशाह, मिस्टर बादशाह, IC 102 से गोवा जाने वाले यात्री आपके लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज में फोन है, धन्यवाद। आपकी टिकट। हेलो बादशाह बेटी, मैं माँ बोल रही हूँ। माँ? अरे तू तो अपना सामान घर पे ही भूल गया है। सामान? बिना सामान के तू दाढ़ी कैसे बनाएगा? और वो लड्डू संभाल के रखे है ना, उन बदमाशों को भी खिलाना। बादशाह। यस प्लीज। वो मैडम कहाँ गई? वो अच्छा रहने दीजिए, बाद में ढूंढ लेंगे। देखिए मेरा टिकट तैयार होगा, मेरा नाम है बादशाह। जी, ये लीजिए आपका टिकट मिस्टर बादशाह। थैंक यू। मेरा नाम लाल है। राखी, छोंकी, होला ना। सुनिए, आप लोगों की टिकट यहाँ है। ओके, ओके, थैंक यू। मिस्टर बादशाह, IC 102 से गोवा जाने वाले यात्री आपके लिए फोन है, कृपया एग्जीक्यूटिव लाउंज में पधारें, धन्यवाद। किसका होगा?
Excuse me. Hello. क्या हुआ आपको? गोलियां. गोलियां ज्यादा खाली हैं. रिएक्शन हो गया है. हॉस्पिटल ले जा रहा हूं. सुनिए. अरे सुनिए. अरे ये आपका सीडी रैक. अरे सुनिए ना, ये कुछ कंप्यूटर का रह गया आपका. मिस्टर बाद, अरे हेलो, आपके लिए फोन है. आई एम कमिंग. हेलो, मैं बादशाह बोल रहा हूं. मां. मां? अरे मां, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ऑपरेशन मां. ओ, मां का ऑप. डॉक्टर साहब. डॉक्टर? लगता है उसके आसपास कोई है, इसलिए कोड में बात कर रहा है. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. यस यस, मैं डॉक्टर बोल रहा हूं. कहां से बोल रहे हैं? डिस्पेंसरी से या घर से? डिस्पेंसरी से. गुड गुड, कहिए क्या बात है? मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है. फ्लाइट में तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा और वो तुम्हें फूल देगा. फूल दे? डॉक्टर साहब, अब ये तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ तुम पर है. बस यूं समझ लो कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है. लेकिन डॉक्टर साहब, बीमारी तो छोटी सी है ना? हमारे लिए जो इतनी बड़ी बात है, इसके लिए एक छोटी सी बीमारी है. वाह. हाँ हाँ बच्चा, बहुत छोटी सी बीमारी है. कोई तो. लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये ऑपरेशन 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए. अरे डॉक्टर साहब, 15 दिन की कहाँ बात कर रहे हैं आप? मैं तो 7 दिन में काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा ना. आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी. बस आप मेरी माँ का ख्याल रखिएगा. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ. माँ को तुम ही क्या, मैं भी माँ को बहुत प्यार करता हूँ. अच्छा? पूरा देश माँ को प्यार करता है. वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, हम सब की माँ है, सारे देश की माँ है. बेस्ट ऑफ लक बादशाह. थैंक यू. व्हाट ए इंटेलिजेंट मैन. सारी बातें भी हो गई और उसके पास खड़ा हुआ जो सुन रहा होगा वो बेवकूफ यही सोच रहा होगा कि एक डॉक्टर और एक मरीज की बातचीत हो रही है. अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि हमारा ये ऑपरेशन मां जरूर कामयाब होगा. जी, मिशन इज सक्सेसफुल. अब हमारा आदमी बादशाह बनकर आ रहा है. मिशन इज सक्सेसफुल. अब हमारा आदमी बादशाह बनकर आ रहा है. सुनिए, हम बादशाह हैं. मिस्टर बादशाह, यहाँ आइए. आपका टिकट इकोनॉमी क्लास का है. क्या कह रही हैं आप? बादशाह का टिकट इकोनॉमी क्लास का? फर्स्ट क्लास. यस, दिस वे. योर सीट इज 1C. थैंक यू. वेलकम सर. हेलो हेलो, हाउ आर यू? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लास. कोच प्लीज. ओके. Excuse me. Yes. ये आप वापस करेंगे ना? Sure, sir. Okay. Oh. Hi. नमस्कार. May I help you? नमस्कार. Help you? आप लोगों की सीट उधर है. हम लोग साथ में हैं. हाँ, जी, हाँ, जी, साथ में हम लोग. नहीं नहीं, आप लोगों की टिकट्स इकोनॉमी क्लास की हैं और इकोनॉमी क्लास पीछे है. हम लोग टैक्सी में साथ में आए हैं. एक ही टैक्सी में आए हैं. अब आगे हैं हम, पीछे इसका मतलब पीछे चले जाएंगे. नहीं, पर ये फर्स्ट क्लास है और इकोनॉमी क्लास पीछे है. प्लेन में थर्ड क्लास को इकोनॉमी क्लास बोलते हैं. करेक्ट, यू आर राइट. वेरी गुड. तो पीछे है ना? हाँ जी, पीछे है. ओके, थैंक यू. ये फर्स्ट क्लास है? हाँ, फर्स्ट क्लास. ओके, बादशाह को फर्स्ट क्लास और अपने को थर्ड क्लास. इससे तो अच्छा राजधानी एक्सप्रेस है यार. हेलो, एक्सक्यूज मी सर, चॉकलेट्स प्लीज. फ्री हैं? यस. ओके ओके, हम बाद में और लाइएगा.
आप बैठो। सॉरी। अभी समझ में आया कि लोग प्लेन में सफर क्यों करते हैं। क्यों? यहाँ पर टीटी लड़कियां होती है। नहीं नहीं, ये एयर हॉस्टेस है। टीटी तो वो है। कमाल है, टीटी यहाँ चॉकलेट बेचता है, वेफर भी होगा। नहीं, एक्सक्यूज मी, आप अपना सामान ऊपर लॉकर में रख दीजिए। सामान ऊपर रखेंगे तो सोएंगे कहाँ? ये ट्रेन के सोने की बर्थ नहीं, लॉकर है। यस सर। प्लेन को स्टेशन पर रुकेगा ना, तो जरा चाय वालों को भेज देना। देखिए आप लोग कुछ देर रुकिए, चाय भी मिलेगी और नाश्ता भी मिलेगा। नाश्ता? नहीं नहीं, वो क्या है, हमारा बॉस जो फर्स्ट क्लास में बैठा है, पैसे उसके पास हैं। सर पैसे की कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है। फ्री में मिलता है? जी फ्री में मिलता है, फ्री में। ऐसा कीजिए, नाश्ता जो है उसको पार्सल करके ले आइए, और टिफिन का जो खाना है उसको तवे में गरम करके ले आइए, हमारी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया है। आप लोग भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। That's very good. वो मजाक के सिवा लाइफ में रखा क्या है? मैं तो कहता हूँ अगर लाइफ में मजाक, ये कौन है यार? लगता है पहली बार प्लेन से जा रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे सीबीआई चीफ ने भेजा है। अरे ये क्या है? ये फूल आपके लिए। फूल? डॉक्टर साहब भी खाम का तकल्लुफ करते हैं। देखिए आप जब उनसे मिले उनसे कहिएगा मैंने कहा है कि वो डॉक्टर नहीं भगवान है। आप यहाँ बैठिए ना। नहीं, मेरी सीट पीछे है। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। सीबीआई वालों ने हमें बेवकूफ बनाया है, हमने किसी गलत आदमी को मार दिया है, असली बादशाह जिंदा है। क्या? उसके साथ सीबीआई का और एक आदमी है, but you don't worry, उन दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। Are you sure? Yeah, okay, go. बादशाह की जान खतरे में? May I help you, sir? No, thank you. Sure. Bachchan bhai. Bachchan bhai. अगर तूने बादशाह के साथ कोई गेम खेलने की कोशिश की, मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? जब तक ये प्लेन लैंड नहीं होता, तब तक तू इस बाथरूम में बंद रहेगा, समझा? लगता है ये टकलू उन किडनैपरों से मिला हुआ है। Excuse me. Thank you. मेरे पास है। Can I sit here? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? Of course. Thank you. Please. Thank you. Sit down. Be my guest. समोसे में आलू।
आपका नाम क्या है? रानी। ओ, मैं बादशाह। रानी, बादशाह, बादशाह, रानी। I love it. वैसे आप जा कहाँ तक रहीं? एक मिनट, मैंने ड्रिंक पिया नहीं है। I'm sorry. नहीं, right one is mine. It's the right one, ma'am. No, no, no. I think left one is mine. Left. The left one. No, no, it's. एक मिनट. ये left और right glass का केस मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, आप मेरे लेफ्ट में बैठी हुई हैं और मैं आपके राइट में बैठा हूँ, लेकिन जहाँ पर ये खड़ी हैं वहाँ से आप इनके राइट में बैठी हैं और मैं इनके लेफ्ट में बैठा हूँ। कुदरत का करिश्मा ये है कि राइट वाला लेफ्ट वाली चीज पहले उठाता है। राइट सर। ठीक है, तो लेफ्ट वाला राइट से उठाकर राइट में रखेंगे और राइट वाला राइट से उठाकर लेफ्ट में रखेंगे, इसलिए लेफ्ट वाला राइट में चला गया और राइट वाला लेफ्ट में चला गया। और क्योंकि राइट हैंड वाला आदमी लेफ्ट हैंड से चीज उठाता है, इसलिए लेफ्ट वाला राइट से उठाकर लेफ्ट में रखेंगे और राइट वाला राइट से उठाकर राइट में रखेंगे। राइट सर। तो फिर आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना, गो गो जाइए। केस सॉल्व हो गया। एक्सक्यूज मी, शायद ये राइट साइड वाला ग्लास मेरा है। यही तो मैं भी सोच रहा था कि राइट वाला आपका है, लेफ्ट वाला मेरा है। एक्चुअली यू आर राइट। चीयर्स। क्या हुआ? काम हो गया, मैंने दोनों को खत्म कर दिया। वेरी गुड डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से राइट वाला ग्लास ही आपका था। आपका कोई जुड़वा भाई है? नहीं तो मेरा भी नहीं। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाय, आप लोग इस शहर में पहली बार आए? मैं तो रोज प्लेन में आता जाता रहता हूँ, कहीं घूमना हो तो मुझे बताइएगा। अरे बादशाह भाई, अरे एक मिनट, बादशाह भाई, बादशाह भाई। अरे बादशाह के साथी भी हैं। अरे अरे सब सो क्यों गए? किसी ने जहरीली गैस तो नहीं छोड़ी? खबरदार, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं आप एक आदमी सर, चीफ ने मुझे भेजा आपको लाने के लिए। तो फिर तुमने गोली क्यों चलाई? इसलिए कि कुछ लोगों ने आपको पहचान लिया मिस्टर बादशाह। बादशाह? टॉम अंकल, जरूर कुछ गड़बड़ है। बादशाह नाम से ये बहरूपिया यहां क्यों आया है? तुम इसे जानती हो? इसका नाम राज है और ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। चलिए, लेट्स गो। मैं मालूम करती हूँ कि ये बादशाह बनकर क्यों आया है। अरे भाई साहब, मेरा लगेज तो अंदर ही रह गया। चलिए ना। शिट, अगर चीफ को पता चला कि हम बादशाह खत्म नहीं कर सके तो चीफ मुझे खत्म कर देगा। समझ में नहीं आता बादशाह भाई किसके साथ चले गए। अरे यार, जरूर वो चीफ का आदमी होगा। अच्छा हो गया बादशाह भाई खतरे से निकल गए। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? अरे वो क्या, महेंद्र सेठ का ड्राइवर खड़ा है। पांठे बंदोबस्त, कम ऑन लेट्स गो। तकलु साला, मुझे देख रहा था घूर के। मैंने भी देखा। ए, क्या देखते बे? वो देखते रह गया और मैं निकल के आ गया। लल्लू समझ रखा था अपने को। हेलो, मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान, क्या हुआ? बादशाह और उसके साथियों को एयरपोर्ट से लेकर आए? बादशाह तो एयरपोर्ट से ही किसी और के साथ में चला गया। मैं उसके साथियों को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, बादशाह किसी और के साथ चला गया है। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। लेकिन ये नहीं जानता कि किडनैपर हम हैं और सेठ की बच्ची हमारे पास है। जीजा,
ये 2.5 फुट की बच्ची ने हमारी जिंदगी हराम कर रखी। सोचिए वो 6 फुट का बादशाह हमारा क्या हाल करेगा। यहाँ हम आपको वो चीजें देंगे जो आपको मिशन में काम आएंगी। अच्छा अच्छा, आइए आइए। ये है हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के जीनियस मिस्टर रूसी। हेलो। और ये है मिस्टर बादशाह द ग्रेट मैन। यू नो मी ऑफ कोर्स, सुना बहुत है लेकिन देखा पहली बार। क्वाइट अ यंग फेलो। आइए, आज मैं तुम्हें ऐसी खास चीजें देना चाहता हूँ जिन्हें बनाने में मुझे 25 साल लगे हैं। और ये है मेरी 25 साल की मेहनत। ये टॉफी टॉफी ये मामूली टॉफी नहीं है। नहीं। इसे यूं खोला, खाया, चबाया और फिर इस रैपर में डाल के यूं फेंका। किसी को शक भी नहीं हो सकता कि तुम्हारी जेब में टॉफी बम है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ ये देखिए जूते। ये भी फूटेंगे क्या? फूटेंगे नहीं, चिपकेंगे। ये देखिए कमाल है, जूते हैं या चिपकली। स्मार्ट मैन, क्या नाम दिया है, चिपकली जूते। नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, ये देखिए गॉगल्स। ये एक्सरे गॉगल्स हैं। पहन के देखिए। हाँ, ऑलराइट। पहन के देखिए। पहन के। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज ले ले। You naughty fellow! पहनिए पहनिए पहनिए। Come on, come on! I am wearing. देखा? कैसा लग रहा है? अच्छा है। है ना कमाल का चश्मा? हथियार काफी बड़ा है। Damn! अरे ये तो कुछ भी नहीं। दुश्मनों के छिपे हुए छोटे-छोटे हथियार भी आपको साफ नजर आएंगे। Very good. Lily, I'm sorry. मैंने कुछ मजा आया? हाँ। ये फुल्ली गजेटेड कार मैंने खास आपके लिए बनाई है। Only for you. मेरी है? हाँ, सिर्फ आपके लिए। आपका मतलब मैं इसमें बैठकर जा सकता हूँ? कहीं भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। एक्चुअली यू नो, ये जो सब कमाल की चीजें आपने मुझको दिखाई, ये गाड़ी और सब, इन सबको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली वर्कशॉप है। ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी CBI की वर्कशॉप है। अरे लगता क्या है, ये CBI का वर्कशॉप ही तो है। और आप CBI के ऑफिसर हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो CBI ऑफिसर हैं। नो, ये गाड़ी और ये सामान एक्सेप्ट करने से पहले मैं एक बात और साफ साफ बता दूं कि मैं CBI ऑफिसर नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। व्हाट, ये क्या बकवास कर रहा है? सर, ये सीक्रेट मिशन पर है और अपने आप को छुपा रहे हैं। आई सी, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। आप CBI ऑफिसर नहीं है। हाँ, और मेरा नाम है बादशाह। बादशाह। अब ये केस भी आप उसी तरह सॉल्व कीजिए जिस तरह आपने झुनझुन वाला केस सॉल्व किया। आप लोगों को मेरे झुनझुन वाला केस के बारे में मालूम है? सारी दुनिया जानती है, इट इज ओपन सीक्रेट। ये देखिए अखबार में भी आ गया है, पढ़िए। मैं जरा पढ़ के देख लूं। अब मैं आपको इस गाड़ी की खूबियों के बारे में बताऊंगा। ये गाड़ी में 80 करोड़ रुपए का धन लक्ष्मी बैंक घोटाला केस सुलझा। अभियुक्त झुनझुन वाला बाप बेटे CBI द्वारा गिरफ्तार। वो बाप बेटे थे, यानी सीमा उनकी बेटी नहीं थी, बैकलाइट थी। समझ में आया? अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। गुड। और बाय द वे, अगर आप सीमा से मिले तो उसे मेरी तरफ से सॉरी कह देना। सीमा को सॉरी? कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आ जाता तो आज उसकी जगह पर तुम होते। मोती, वो जा रहा है, चलो। अरे सीमा, ये यहाँ पर क्या कर रही? अरे सी, अरे कहाँ से खुलता है ये कांच? अरे सीमा, सीमा जल्दी करो, जा रहा है।
अरे खुल ना खिड़की। अरे ये वाइपर। सीमा पूरा मोती कुछ करो मोती। मशीन गन दो। कौन सा बटन है यार? बच गया साला। बाजूका दो। कम ऑन मोती। सारे बटन दबाया था। ये ले ये ले। ओ, ओ, ये क्या है? ये क्या? इसे दबाता हूँ। अरे यार, अरे ये क्या गाड़ी दी है सूरती ने? बटन दबाने से कुछ पता ही नहीं है। इसकी है सीमा, सीमा खिड़की खुल गई सीमा। अरे आगे बोलो चलो खेल ले दो। अरे ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा है यार? हमको तो बोला था कि बादशाह के साथ में हमको ब्लू रॉयल होटल में ठहराएंगे। ये कहां ले गया यार? उनको जरा भी शक ना हो कि हमने उन्हें किडनैप करके यहाँ रखा है। जाओ। हेलो सर, मैं महेंद्र सेठ का चीफ बोल रहा हूँ। वेलकम टू गोवा सर। अरे चीफ साहब वेलकम वेलकम छोड़िए, ये बताइए मेरे साथी कहाँ पर है? आपके साथी हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं सर। ओके सर, आप हीरे तो लाए ना अपने साथ? हीरे मैं लेकर आया हूँ, लेकिन उस घटिया कमीने किडनैपर को मैं हीरे दूंगा नहीं, और उस लंगूर से बच्ची भी छुड़ा लूंगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा सर, सेठ जी के पास हीरे बहुत हैं, लेकिन बच्ची सिर्फ एक है। प्लीज बच्ची को बचा लीजिए और हीरे किडनैपर को दे दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुमसे नहीं बिट रहा है, तुम इधर आओ। नीचे कोई पियानो क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा कौन इंतजार कर रहा है सर? मुझे लगता है किडनैपर यहाँ पर पहुंच चुका है। किडनैपर? अबे किडनैपर तो हम हैं, ये दूसरा किडनैपर कहां से आ गया? सीमा, वो फूल तुमने भेजे थे? हम दोनों के बीच में जो गलतफहमी है उसके लिए तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे सब पता है कि झुनझुनवाला ने तुम्हें झूठ बोलकर फंसाया। नहीं सीमा, झूठ तो मैंने अपने आप से कहा है। तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक करते करते पता नहीं कब मैं तुम्हें सचमुच जाने लग गया, और इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। I'm sorry, सीमा। दिल क्यों धक धक करता है? क्यों ये तुझ पे मरता है? दिल क्यों धक धक करता है? क्यों ये तुझ पे मरता है? दिल तुझको ही चाहे बार बार। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। अब क्या करें हम, कैसे जिए हम? इतना बता दे ओ मेरे यार, है हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार।
ये सांसे चलती रहे, तुझसे मोहब्बत करता रहूं। देखो सीमा, मैं क्या अंदाज है, इशारों में कुछ और इरादों में कुछ और। बादशाह कहाँ है? नाम तुम्हारे होंठों पे है, तस्वीर तुम्हारी आंखों में, और पूछती हो बादशाह कहाँ है? मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब दो, वरना मैं गोली मार दूंगी। अगर तुम चाहो भी तो गोली नहीं चला सकती, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? तुमने अपने पिस्टल का लॉक नहीं खोला, ये है ना ये। वही है ना जो उस दिन मुझे एयरपोर्ट पर मिला था। हाँ, वहां तो तेरे धोखे में मैंने किसी और को मार दिया था, लेकिन यहां तू नहीं बचेगा। इडियट। ये क्या किया तुमने, मुझे मार डाला।
अरे यार मेरा ये इरादा नहीं था। भैया जी मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता है, काटते हैं साले। मैंने सुना है अगर कुत्तों के सामने गाना गाऊं ना तो वो नहीं काटते। बिल्कुल बकवास बात है, मैं नहीं मानता। मैं तो हूँ पागल, तैने ने 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 ने, तैने ने 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 ने, मैं तो हूँ पागल, तैने ने 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 ने, तैने ने 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 ने, ये कहूँ हर पल, तैने ने 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 ने, तैने ने 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 ने, कर कोई हलचल, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। मैं तो हूँ पागल, 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 पागल अरे तेरे अरे बचा बचा अरे बचा। सीमा मोती डार्लिंग, तुम कचरे के डब्बे में क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? तुमने बादशाह को मारा कि नहीं? वो साला भाग गया। अगर कुत्ता बीच में नहीं आता मैंने उसका खीमा बना दिया होता। चलो कहाँ? हॉस्पिटल। और कहाँ? मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने अपने पेट में, मुझे कुत्ते ने काटा है, बेवकूफ लड़की। अरे भाई महेंद्र सेठ का चीफ जो है कमाल का वफादार आदमी है, देखो हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। एक तो मैं लड़की को संभालते संभालते कंगाल हो रहा था, ऊपर से ये लोग खा खा के मुझे भिखारी बना देंगे। अब एक ही रास्ता है, आप बादशाह को किडनैपर बन के फोन कीजिए और उसे हीरो के साथ बुलवाइए। मिस्टर बादशाह आपका फोन है। हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। तू यही सोच रहा है ना कि मुझे कैसे पता लगा कि तुझे महेंद्र सेठ ने यहाँ भेजा है? मैं जानता हूँ कि आपके हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको हीरे देने के लिए आया हूँ। आप तो बस मुझे ये बताइए कि मैं आपको कब और कहाँ मिलूँ? कल ठीक 4 बजे सेंट पॉल स्कूल पहुँच जाना। लेकिन मुझे यकीन कैसे हो कि बच्ची आपके पास है? लो मैं अभी तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ। ये बेटा, बेटा जल्दी बोल, पापा के पास जाना है, जल्दी बोल। बेटा प्लीज। अरे बोल, ठीक क्यों नहीं? hey, बच्ची को हाथ मत लगाओ। अब देखा बच्ची का हम क्या हाल कर सकते हैं? अगर बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो हीरे लेकर पहुंच जाना। बिल्कुल ठीक। हाँ कल शाम को ठीक 4 बजे सेंट पॉल स्कूल। ओके मैं आ जाऊंगी।
हुस्न की ये अदा बेवजह नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सीबीआई को इन चार लोगों पर गायत्री बच्चन को मारने के प्लान में शामिल होने का शक है, लेकिन दीपक ने थापड़ को सस्पेक्ट नंबर वन किया है। अगर किसी तरह हम थापड़ तक पहुंच सके तो हमें राज का इरादा भी मालूम पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहां इसका एक स्क्रीम क्लब चलता है, रोज शाम को वो वहां जाता है। कमाल है थापड़ साहब, आपके इस क्लब में आकर तो हम जैसे लोग भी जवान हो जाते हैं। यहाँ आकर तो पत्थरों में भी शोले भड़कने लगते हैं अरवानी साहब। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर मिस्टर थापर। आपको यहाँ पहली बार देखा है? मैं यहाँ मुंबई से घूमने आई हूँ, शानदार जगहों पर जाना और जानदार लोगों से दोस्ती करना मेरा शौक है। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा नाम रोजी है। रोजी हो या सीमा, लड़कियां सिगरेट पीती हुई अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली सिगरेट पीता हुआ कोई भी अच्छा नहीं लगता। और आप भी कमाल करते हैं सर, ये आपकी बेटी पोती की उम्र की और आप इनको मना करने के बजाय इनकी सिगरेट जला रहे हैं। वेरी बैड। तुम कौन हो? इनका आशिक बादशाह। बादशाह? एक्सक्यूज मी, क्या बात कहता हूँ? अरे मैं नहीं आऊंगा। आओ तो सही, प्लीज आओ तो सही। ठीक है, आपको इनकी सिगरेट जलानी है तो जला लीजिए, कोई बात नहीं। अंकल टॉम, हमारा शक सही निकला, राज थापर के लिए काम कर रहा है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं चीफ हूँ, चीफ। आप चीफ हैं? अरे तो आप चीफ नहीं, आप चीफ हैं। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप यहाँ? जवान लोगों के डिस्को में आके नाच गा रहे हैं, वो लड़की की सिगरेट जला रहे हैं। अरे आप लोगों को कोई टेंशन वेंशन नहीं है क्या? उस बच्ची का क्या? बच्ची? हाँ, अरे बच्ची, अरे जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। सर 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 सर, किसी को शक ना हो इसीलिए मिसेस बच्चन को बच्ची कह रहा है। बच्ची। अरे बादशाह, अब तुमसे क्या छुपाना भाई, टेंशन तो इतना है कि दिन में चार चार बार पेंट बदलनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, वो बात सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे बादशाह होने का किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे इसको चीफ किसने बना दिया यार? बादशाह के बादशाह होने का किसी को शक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? यहाँ की सीबीआई समझती है कि मैं सीबीआई के साथ मिला हूँ। अरे वही तो हम चाहते हैं। अच्छा, बस एक बार बच्ची का काम कर दो। अरे बच्ची की फिक्र मत कीजिए, बच्चे कल शाम को 4 बजे सेंट पॉल स्कूल पर पहुंच रही है। कल? रियली? रियली। और वही कल मैं सारा का सारा काम तमाम कर दूँ। कल ही? अरे मेरे प्यारे बादशाह, चिपका चिपटी मत कीजिए, पीछे कपड़े खराब करो, हमारा काम कर दो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। या, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कार्ड दीजिए ना, ये देखो, ये हमारे सीक्रेट फॉर्म का कार्ड है। वो रानी का क्या हाल है? कौन रानी? अरे वही बादशाह की रानी। अरे तुम चीफ नहीं, तुम चीफ ही हो यार। बादशाह की रानी नहीं होती है, बादशाह की बेगम होती है। अरे समझाओ ना कुछ। और हमारी बेगम वो है। ओ, यानी रानी आउट, बेगम इन। जाओ हमारी बेगम से कहो कि बादशाह उनसे मिलना चाहते हैं। He's right. बेगम, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अपने बादशाह के पास जाइए, आपका आशिक। आशिक? Ladies and gentlemen, आज यहाँ एक ऐसा आशिक भी है जो प्यार में बड़े बड़े वादे करके मुकर जाता है। मासूम दिलों से खेलना और मोहब्बत में धोखा देना उसका शौक है। वो आशिक नहीं, धोखेबाज है, कातिल है। तेरा हर इल्जाम सर पे लेते हैं, पर भरी महफिल में आज ये कहते हैं।
आशिक हूं मैं। कातिल भी हूं सबके दिलों में, शामिल भी हूं। चुराना नींदे उड़ाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना सबको नचाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह के बारे में आपसे कुछ। अरे रानी, क्या आदमी दिया तुमने मुझे। इसका नाम तो मोती नहीं, सचमुच बादशाह ही होना चाहिए था। किसने कहा है कि कल 4 बजे सेंट पॉल स्कूल में हमारा काम कर देगा। ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तक तो ताज। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह। सपने सजाना हंसना हंसाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। चीफ, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया। यही ना कि कल 4 बजे बच्ची सेंट पॉल स्कूल में आ रही है। बच्ची? कौन बच्ची? अरे कोड वर्ड, बच्ची का मतलब है गायत्री बच्चन। ये खबर आपको कहां से मिल गई? अभी 15 मिनट पहले तो ये प्रोग्राम बना है। अरे ये खबर मुझे मेरे इस बादशाह ने दी है। ये कोई मामूली किलर नहीं, जादूगर किलर है। कल शाम 4 बजे सेंट पॉल स्कूल में ये गायत्री बच्चन का काम तमाम कर देगा। खचाक। शाबाश।
लगता है बच्चे के कंधे पर गन रखकर गोली चलाएगा। वो गन निकाल रहा है। इससे पहले कि वो हमला करे हमें मिसेस बच्चन को बताना होगा। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमें सिक्योरिटी को बताना होगा। सर एक लड़की आई है, उसका कहना है कि मिसेस बच्चन को मारने के लिए एक किलर आया है। ये लड़की हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, इसे खत्म कर दो। धीरे लाए हो बे? कौन है बे? मैं किडनैपर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भेष बदल के आए हो? हाँ। ए, बच्ची कहाँ है? आओ मेरे साथ। मानिकचंद, अच्छा तो तूने ही बच्ची को किडनैप किया है? इसने नहीं, मैंने। हीरे निकाल। ओके। पहले ये बताओ कि बच्ची कहाँ है? फ्रांसिस, चॉकलेट दो ना। हेलो, यबा डबडू। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है हमारे पास। ऊपर देखो। अबे ओ! कैसे हो यार? फिट है? ओके। अरे मस्त। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने इन लोगों को भी संभाल के रखा है। इसी बात पे ये मुंह मीठा कर लेते हैं, लीजिए। नहीं जीजा, यह हमें चाल सुबराज की तरह मीठा खिला के सुलाना चाहता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना मुंह मीठा कर लेता हूँ। सॉरी, बहुत ही गंदा टेस्ट है। नकली बंदूक फेंक और बच्ची को लेकर भाग। अंकल इसका मतलब? भागो। अरे बच्चा लेके भाग रहा है वो। अरे बच्चा लेके भाग रहा है यार। अरे बच्चा, अबे अबे भाग, ऐसे भाग, चले निकल। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो पकड़ो, इधर इधर किधर? वो उधर, विजू इधर। लगी क्या? ओए ओए, चलो चलो जल्दी करो। अबे छोड़ना यार। वेरी गुड। चलो बेबी, 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 अंकल अंकल, कौन है तू? यहाँ से अब वहाँ से क्यों आए? अरे तुम्हें ढूंढता ढूंढता चला आया, अभी आओ नीचे। पहले मैं जाऊँ? पहले तुम नहीं, पहले हम जाएंगे। हम बड़े, कम ऑन फॉलो मी। हाँ बहुत मजा आया। चलो फिर से करें। चलो, लेकिन इस बार तुम आगे रहना। ओके। अंकल भालू भी आया। भालू अंकल गिर गए। कैसा गुजर है? हेलो। हाँ चीफ, मैं बादशाह बोल रहा हूँ। हाँ बादशाह, बोलो क्या खबर है? गुड न्यूज तो ये है कि बच्ची मेरे पास आ गई है। बच्ची तुम्हारे पास आ गई है? मतलब वो जिंदा है? अरे जिंदा ही नहीं, इस वक्त मेरी गोद में हंस खेल रही है। कमाल है। हाँ? ये किलर है या जादूगर? क्यों? अरे मिसेस बच्चन को उसने पकड़ भी लिया और ऐसा पटा लिया कि उसकी गोद में बैठी हंस खेल रही है। उसकी गोद में खेल रही है? छी 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 छी, ये नेताओं के चाल चलन का आजकल कोई भरोसा नहीं। हेलो, अरे कहाँ गए? हेलो, हाँ हाँ चीफ, मैं ऐसा करता हूँ कि बच्ची को लेकर आपके ऑफिस में पहुंचता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो
तुम उसे मेरे फार्म हाउस पर ले आओ, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। ओके ओके, कट कट कट। देखो रामलाल, तुम जल्दी से बच्ची को लेकर इस फार्म के पते पर पहुंचाओ, तब तक मैं इस गेंडे और भालू को पुलिस स्टेशन पहुंचाता हूं। अरे मैं नहीं, मैं तो तुम्हें मत मारो। डोंट वरी मेरे वॉच क्या है? What? Oh, sorry. ये तुम्हारे साथ है? तो फिर वो लोग कौन थे? वो तुम्हारे साथ थे। मेरे साथ? मैं तो अकेला था। वो थापड़ के आदमी थे। थापड़? कौन थापड़? जिसके लिए तुम काम करते हो। भाई मैं तो महेंद्र सेठ के लिए काम करता हूँ। महेंद्र सेठ? कौन महेंद्र सेठ? महेंद्र सेठ वो जिनकी बातें उलझाने की कोशिश मत करो, हमें सब कुछ मालूम है। गुड, आपको सब मालूम है तो आप इनको भी बता दीजिए ना। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम यहाँ गायत्री देवी का खून करने आए हो। गायत्री देवी का खून? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ बच्ची को बचाने के लिए आया हूँ। बच्ची? कौन बच्ची? अरे वही झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुमने पहले भी मुझे झूठ बोलकर धोखा दिया था। ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें एक बार धोखा दिया, उसके बाद तो धोखा नहीं दिया ना। उसके बाद धोखा नहीं दिया, अभी तो धोखे से तुमने मुझे किस किया। अरे वो तो तुम गोद में आके बैठ गई थी, अब मैं इतना चांस कैसे जाने देता। नहीं इधर देखो, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ओके आई एम सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? इस उम्र में मैं कैसे बोल सकता हूँ? सच सीमा, अब मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा। पहले ये बताओ तुम सेंट पॉल स्कूल क्यों आए थे? मैं अब सब कुछ साफ साफ बताता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। महेंद्र सेठ की बच्ची किडनैप हो गई थी, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और इन किडनैपर्स को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया। उन किडनैपर्स ने मुझे सेंट पॉल स्कूल में बुलाया था। मोती, कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया। देखिए अब आप लोगों को मेरी बात का भरोसा होगा, यही है वो किडनैपर्स। ये तो महेंद्र सेठ की कंपनी का चीफ है, मिस्टर सक्सेना। अरे अंकल, अब आप और कंफ्यूजन मत कीजिए प्लीज, यही वो किडनैपर्स है। अबे बोलना। सॉरी। मुझे माफ कर दो बादशाह भाई, दरअसल मैं ही उनका चीफ हूँ। अबे अबे चुप 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 चुप, तू महेंद्र सेठ का चीफ है? अबे तेरी, अगर ये महेंद्र सेठ का चीफ है तो मुझे जो वो क्लब में मिला था और जिसके पास मैंने बच्ची भेज दी है, वो कौन है? मैं बताती हूँ वो कौन है। बच्ची! अरे ओ बच्ची, कहाँ है तू? अब हमसे क्या शर्माना?
अरे बादशाह की गोद में खेली हो, जरा हमारी गोद में भी तो खेल कर देखो। अरे अंकल पहले गोद में तो लो, फिर मैं खेलती हूँ। कौन है तू? कमाल है, बच्ची पहचानने में नहीं आ रही है। तुम लोग कौन हो और ये किसकी बच्ची है? अच्छा अब ये बच्ची किसकी बच्ची हो गई है? अरे तुम्हारे सेठ की बच्ची है। सेठ? कौन सेठ? कौन सेठ? अरे नमक हराम, जिसकी रोटी खाता है उसी को भूल गया। रोटी? कैसी रोटी? आटे की रोटी, दिमाग की गोटी मत घुमा, पैसे देने की बारी आए तो हाथों पर कर रहा है क्या? अरे कैसे पैसे, ये सब क्या हो रहा है? गायत्री बच्चन कहाँ है? गायत्री बच्चन? बच्चन साहब ने दूसरी शादी कर ली क्या? कौन गायत्री बच्चन? ओहो, पर तुम लोग हो कौन? बादशाह कहाँ है? चीफ, असली बादशाह ये है, मोती। क्या बकवास कर रही हो तुम? चीफ, आपके डर की वजह से मैंने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं आपको सब समझाती हूँ। जिसे आप क्लब में मिले थे वो अपना बादशाह नहीं है, वो तो मुंबई का एक प्राइवेट जासूस है, और ये सब लोग उसी के आदमी है। ये लोग इस बच्ची को किडनैपर से छुड़ाने आए थे, और उसका नाम बादशाह होने की वजह से सीबीआई वाले उसे अपना बादशाह समझ बैठे। ये सब एक जैसे नाम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये प्रॉब्लम ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये फ्लॉपी जो सीबीआई के बादशाह के पास थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो मुझको मुंबई के एयरपोर्ट पर मिली थी। क्या हुआ था कि एक आदमी को व्हीलचेयर पर ले जाया जा रहा था, ये उसी की जेब में से गिरी। मैंने इसको उठाया, पीछे से उन लोगों को आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। अरे मैं तो पीछा करते करते उनके लिफ्ट तक पहुंच गया, लेकिन तभी वो डॉक्टर साहब। वो आदमी ये तो नहीं था? यही था, हाँ यही तो था। और इसको जो व्हीलचेयर पर लेकर, सीमा अब मैं सब कुछ समझ चुका हूं कि व्हीलचेयर पे जो इसको ले जा रहा था उसने होटल के कार पार्क पे मुझ पे गोली क्यों चलाई, और उसने ये क्यों कहा कि एयरपोर्ट पे तुम्हारे धोखे में मैंने किसी और को मार दिया है। इसका मतलब कि व्हीलचेयर में जब मैंने इस ऑफिसर को देखा ये ऑलरेडी मर चुका था। क्या हुआ सीमा? वो मेरा भाई था। सीमा तुम ऐसा करो, ये ईयरफोन्स तुम पहन लो, ये लो, इसका कॉर्डलेस माइक मेरे पास है, तो अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ हम बोलेंगे वो तुमको सुनाई देता रहेगा। ऑलराइट? ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। आओ बादशाह आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई, आप मुझको कुछ और समझते रहे और मैं आपको कुछ और, मैं आपको चीफ समझता रहा और आप तो इतने बड़े आदमी निकले। देखिए इस गलतफहमी में मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे सब पता चल चुका है। अच्छा हुआ, गुड, आपको सब पता चल गया। मैंने अपने कुछ साथी और वो एक बच्चे यहाँ पर भेजी थी, वो नजर नहीं आ रहे। उनकी चिंता मत करो। नहीं नहीं, वो सही सलामत है। थैंक गॉड। और अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहें, जी, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए ना। कल होटल हॉलीडे इन में चीफ मिनिस्टर मिसेस गायत्री बच्चन एक फंक्शन का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। जी। उनके चारों तरफ सीबीआई और सिक्योरिटी वाले रहेंगे। वो तो होंगे ना सर। कोई आम आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता सिवाय तुम्हारे। मैं क्यों? क्योंकि सीबीआई वाले तुम्हें अपना आदमी समझते हैं, इसलिए तुम ही मेरा वो काम कर सकते हो। अब कौन सा काम? गायत्री बच्चन का खून। खून? गायत्री देवी का खून? हाँ। नहीं थापर साहब, मैं तो ऐसे ही छोटा सा प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, कोई खूनी नहीं हूं।
और नहीं नहीं, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तुम्हें ये खून करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे साथी और बच्ची। अगर उन लोगों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्तों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तो ये गायत्री बच्चन का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खन्ना है, ये साये की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इसके एक इशारे पर तुम्हारे साथी और बच्ची खत्म कर दिए जाएंगे। यही है वो जगह जिसे तुम आज गायत्री देवी की जिंदगी का आखिरी मकाम बनाओगे। सर, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, बच्ची वैन में है। मोती, उसमें बॉम्ब लगा हुआ है और उसका रिमोट मेरे पास है। ये है वीआईपी पास और ये है फुल्ली लोडेड गन। नमस्ते। जेब में क्या है निकालिए। ये तो नेल कटर है, इसे आप अंदर नहीं ले जा सकते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन नेल कटर ले जाने में क्या हर्ज है? रूल इज रूल सर। आइए। आइए। हेलो सर। डॉक्टर सुरती, यहाँ पर सीएम को मारने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इसीलिए तो आपको बुलाया है मिस्टर बादशाह। मैं वो नहीं हूँ जिसे आपने यहाँ पर बुलाया। आप लोग गलत समझ रहे हैं। चुप रहो साहब, यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है, डॉक्टर सुरती को आप समझाइए। डॉक्टर सुरती, डॉक्टर वेटर, अंदर नहीं आ सकते। मैम प्लीज आने दीजिए। बट मैडम इट्स ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर आप हाँ कहिए। एक्चुअली मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया था। एक छोटी सी बच्ची है मैम और उस बच्ची आप बच्ची के बारे में कुछ कह रहे थे जी। हाँ हाँ बोलिए। बच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन है और आपका ऑटोग्राफ चाहती थी। बच्ची का नाम क्या है? बोलो बोलो, बच्ची का नाम बताओ। जी ऐसे हम तो घर में बेबी बेबी कहकर पुकारते हैं। लीजिए। थैंक यू। क्या बकवास कर रहा था? इतना अच्छा मौका गोली के नीचे। बोल। गोली तो मैं अब चलाऊंगा। मोती,
प्लीज मुझे बचा लो प्लीज अंकल, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है अंकल, इन लोग मेरे को मार डालेंगे अंकल, प्लीज बचा लो। 12:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी, याद रहे ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बच्ची को बचाने जा रहे थे हम्म? आओ। अगर नजर बचाकर तुम वैन के पास पहुंच भी गए तो रानी की नजरों से नहीं बचोगे। वो देखो रानी की निगाहें वैन पर हैं और उसकी गन का निशाना तुम्हारे साथियों पर, समझे? जाओ अंदर। नमस्ते। नमस्ते। सीएम के आसपास आने वाले हर आदमी पर नजर रखो, जिस पर भी शक हो फौरन अरेस्ट करो, समझे? जाओ। ओके सर। सर मेरे पास गन है। गन तो मेरे पास भी है लेकिन गोली तुम्हें चलानी है। डोंट वेस्ट टाइम, गो इमीडिएटली। मेरा विरोध उन इंडस्ट्रीज के मालिकों से है। गरीबों और मजदूरों को क्या फायदा होगा? इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। केमिकल्स के मालिक ने मुझे तुम्हारी सीएम को मारने के लिए भेजा। इधर देखो, अब चुपचाप से मेरे साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो सामने देखो। उसके कब्जे में एक मासूम बच्ची और मेरे कुछ साथी। अगर मैंने तुम्हारी सीएम को नहीं मारा तो उन बेकसूरों की चाल लेगा। प्लीज हेल्प मी। तुम सिगरेटी इंजाज से गनी कहते हो? वो सब इस साजिश में मिले हुए हैं। ये बात मुझे सीएम को बताना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये लो, ये रखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। Come in, please. आइए। क्या बात है शीतल? सहरी कह रहे कि मिस्टर थापर ने इन्हें मैडम को मारने के लिए भेजा है। What? इस साजिश में आपके सिक्योरिटी इंचार्ज तक मिले हुए हैं सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ सर, वरना आप ही बताइए कि मेटल डिटेक्टर्स के होते हुए भी मेरा ये भरा हुआ रिवॉल्वर अंदर लाओ कैसे किया गया? लोडेड है सर। तुमने ये बात गायत्री को बताई कि नहीं? नहीं सर, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी है इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आई। अच्छा किया तुम इसे यहां ले आई। मैं ही कुछ करता हूं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा थापर ऐसा कर सकता है। हरामजादा कमीना।
मेरा प्लान फेल करना चाहती थी। ये किस बेवकूफ को उठा लाया थापर? अगर ये शीतल के साथ गायत्री के पास पहुंच जाता तो ये है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग, और इसी प्लानिंग के जरिए तुम अपने सारे केसेस बंद करवाने चाहते थे। मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की थी, इसलिए तुम्हें इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि मुझे दौलत चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए। आज अगर गायत्री बच गई तो वो सारी दौलत गरीबों में लुटा देगी। रिलैक्स त्यागराज, रिलैक्स। ये वही करेगा जो हम चाहते हैं। बहुत चालाक समझता है अपने आप को। 2 बजे गायत्री कॉन्फ्रेंस हॉल में भाषण देने के लिए आ रही है। अगर इस बार तुमने उसे नहीं मारा तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? अंदर कैसे आ गई? देखिए, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मदद? ये कार्बन कॉपी लीजिए। जी, 2 बजे मिलते हैं। ओके। कॉफी सर? नहीं चाहिए। Are you sure, sir? Waiter. मुझ पर नजर रखिए सर। ये खाली है, चीटिंग नहीं है बिल्कुल। नॉट एट ऑल। और वो राइट है। थैंक यू जी। यू हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड ड्रिंक ना। गायत्री जी, थापड़ आपको जान से मार देना चाहता है। इसमें आपका सिक्योरिटी इंचार्ज भी उससे मिला हुआ है, और यह सब साजिश आपके पति की है। उन्होंने आपकी पीए को मार डाला है और मुझे आपको मारने के लिए भेजा है। अगर आप फंक्शन में आई तो मुझे आप पर गोली चलानी होगी। क्या है मैडम? मैं आपसे कुछ? हाँ बोलो जी। मैं कॉफी बना दूं? गायत्री, ये तुम्हारी स्पीच की फाइल। सोचती हूँ आज का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दूं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। गायत्री, ये सब गान की वजह से। आज के बाद मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा।
सिर्फ आराम। मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा। ठीक है, जरा शीतल को भेज दो ना, स्पीच में कुछ करेक्शन कराना है। वो तो चली गई। हाँ? उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। ओ माय गॉड। अरे वो घर पर नहीं मिलेगी, सीधे अस्पताल गई है। डोंट वरी गायत्री, उसकी माँ अब आउट ऑफ डेंजर है। तुम थोड़ा आराम कर लो। ओके ओके। गायत्री ठीक 2 बजे नीचे आ जाना। बैठे रहो। चलो। ओके। इधर 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 इधर, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। नहीं अंदर जाओ, अंदर जाओ। सॉरी, आप उसको उठाइए। सीमा, तुमने वो लेटर गायत्री देवी तक पहुंचा दिया? मैंने उनके स्पीच के फाइल में रख दिया है। गुड गुड, एटलीस्ट अब वो नीचे तो नहीं आएंगे। अब मुझे सिर्फ वो बच्ची और अपने साथियों को किसी तरह बचाना है। सीमा, मेरा वो बैग तुम लाई हो ना? हाँ अंकल, वो बैग देना। जी। क्या हुआ? तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। वक्त बहुत कम है, जल्दी बाहर आओ। अरे बादशाह ये क्यों कर रहा है? अक्षय कुमार समझता है क्या अपने आप को? अरे यार ये क्यों कर रहा हूं, सीढ़ियों से चले जाता। तू अगर हिला तो गोली मार दूंगा। अबे अगर मर्द का बच्चा है तो हथियार फेंक और हाथ से लड़। अबे मर्दानगी की बात करता, अभी कपड़े उतार के तुझे बॉडी दिखाऊंगा। अबे पहले बंदूक तो फेंक। हाँ देख, 3 तक गिनते हैं फिर फेंकते हैं। ओके डन। 1, 2, 3 बेबी चलो। नहीं अंकल, मुझे छूना मत। क्यों? यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है। बादशाह भाई बॉम्ब तो बच्ची पे लगा हुआ है। हाँ ये पकड़।
मैं देखता हूँ। ये क्या कर रहे हो? स्कूल में कभी साइंस वाइंस किया था आपने? नहीं यार। तो फिर क्यों उंगली कर रहे हो? ऐसा करें, इसको उठा कर ले आते अपन। लेकिन इसका रिमोट तो थापड़ के पास, और हम में से कोई इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं जो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। देखो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, ठीक है? अरे ओ खन्ना, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? बाथरूम में। 2:05 रह गए हैं, उसे फौरन लेकर आओ, जल्दी करो। जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट रह गए। हो गया। वो क्या है ना, कभी कभी गैस। तुमको होता है कभी? बकवास मत करो, चलो यहाँ से। अरे यार गुस्सा क्यों होते हो? तुमको होगा ना तो मालूम पड़ेगा। ऐसे हैरान हो रहा है, गायत्री देवी तो होने वाली है। मैं पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से इस संस्था की कामयाबी और सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये मुबारकबाद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो मेरी धर्मपत्नी है उनका और मेरा। अगर आज वो नीचे ही नहीं आई तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल ना। चुप चुप बोल जी। वो आएगी, जरूर आएगी। देखा, आ गई ना। दोस्तों जाओ, गुड लक। जैसे ही वो गोली चलाए उसे शूट कर देना। अब मैं गायत्री देवी से अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आए। गायत्री जी, थापर आपको जान से मार देना चाहता है। आपका सिक्योरिटी इंचार्ज उससे मिला हुआ है। ये सारी साजिश आपके पति की है, उन्होंने आपके पीए को भी मार डाला है। वो तो चली गई। कहाँ? उसकी मां को हार्ट अटैक हुआ है। अगर आप फंक्शन में आएंगे तो मजबूरन मुझे आप पर गोली चलानी होगी, क्योंकि मेरे साथी और एक मासूम बच्ची थापड़ के कब्जे में है। मैं वही हूं जो लिफ्ट में आपको ऑटोग्राफ के लिए मिला था। देखा गायत्री, मैंने तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। कहां भाग रहे हो? Yeah.
ये ले। बहुत होगी तेरी छप 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 छप। अब देख। जय हिंद। अब दबाओ बटन। नहीं अंकल, बम फूट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। नहीं बेटी, ये तुम लोगों की तरह बहादुर नहीं है, ये तो कायर और डरपोक है। अगर ये बटन दबाएगा तो खुद भी मर जाएगा। विलन अंकल, दबा बटन। ताऊ, दबा ना। ए, आगे मत बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, वरना रिमोट का बटन दबा दूंगा। अगर वो बिल्डिंग के बाहर निकल गया तो रिमोट दबा देगा। मैं कोशिश करता हूं इस बम को डिफ्यूज करने का। मेरी गैजेट वाली बैग लाओ। No. ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता, हमें किसी तरह इसका जैकेट निकालना होगा। थैंक गॉड। चोपड़ा, अब इस जैकेट को हमें रिमोट के रेंज से कहीं दूर फेंकना होगा। सर उधर। रामलाल, चौकी, होय ऊपर देखो। अबे यहाँ। पाचे भाई, ये गिर जाएगा। अरे वो थापड़ रिमोट लेकर भाग गया है। फिकर मत करना, हमने जैकेट बाहर फेंक दिया है। अबे हट, जैकेट की किसको फिकर है? मेरा कुछ करो, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। मत छोड़ना, हम लोग कुछ करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। आ जाओ बच्चे भाई, हम आपको कैच करेंगे। आओ, आ जाओ, आओ। अंकल अंकल, कैच छूट जाएगा तो आउट हो जाएंगे। वो कपड़ा देखो, इसको खींचो। अंकल बहुत अच्छे से स्लाइड करते हैं। चल 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 चल, उठा उठा, जल्दी करो जल्दी करो। पीछे पीछे। अबे कहाँ जा रहे हो? राइट पे चले। अबे ओए लेफ्ट राइट छोड़ो, इसे सेंटर में पकड़ो। सेंटर 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 चले। आया Love you. I love you too. Thank you. Hey, गधो, तुमने आज तक सारे काम गलत किए हैं। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। जैसे मैं गाड़ी में बैठकर इशारा करूँ, इस रिमोट के बटन को दबाकर गायत्री और बादशाह के साथ सबको उड़ा दो। Okay. जाओ। Goodbye. Huh?
बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, आई एम वेरी सॉरी सर। हेलो, बिल्कुल टाइम नहीं है। कौन बाटा टाटा? नो 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 नो, मंडे को फोन करना, मंडे को, मंडे को। बिल क्लिंटन, ओ मंडे सर, अमेरिका से मंडे सर, अमेरिका से बिल क्लिंटन का फोन है सर। हाँ हेलो सर क्लिंटन, यस सर, मोनिका केस, यस, $1 million। बादशाह भाई, अमेरिका से क्लिंटन का फोन, मोनिका का केस, $10 lakh। नो, उनसे कह दो कि बादशाह इस वक्त अपनी बेगम की ड्यूटी पर है। $10 lakh तो क्या, कोई मुझे $10 crore भी देगा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अरे ले ले, 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 ले। क्या है यहाँ पे, जरा सा सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, तुम आ जाओ डार्लिंग।